गाइस जय हमारी माता रानी। और देखो हमने पूरी रात जग के सबको राम राम, जय सरस्वती माता की जय। कृष्णा का लागिन के सभी यात्रियों से हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। भाई आज का जो ब्लॉग है ना, काफी ज्यादा कमाल का है। कि आप लोगों को पता है कि बसंत पंचमी है आज, और तो सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और भाई पूरी रात आज हम सोए नहीं, पूरे माँ का जो पंडाल है उसको सजाने में लग गए, और आप लोगों को पंडाल दिखाते हैं कि पंडाल कैसा बना है। वो भाई पूरी रात जग के किया हम लोगों ने, तो अभी चलते हैं पंडाल दिखाते हैं। तो गाइस ये है हमारी माता रानी, और देखो हमने पूरी रात जग के इनको इस तरीके से पूरा डेकोरेट किया है, और काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। तो पीछे जो ये दिख रहा है ना आपको, तो इसको बनाने में हमें पूरी रात लग गई है। बनाया पर्वत मतलब पहाड़, और ये हमारी है माता रानी सरस्वती माता जो कि विराजमान है। और पीछे देखो कि काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा है ना जैसे पहाड़ को चीरती हुई माता रानी निकल ली है। तो रात में काफ़ी कमाल लगेंगी, आपको रात का सीन दिखाता हूँ कैसे दिख रही थी रात में। तो कुछ इस तरीके से रात में दिख रही थी, और अभी देखो, और ऊपर कुछ ऐसे झूमर सा लगा हुआ है माता रानी सर के ऊपर। और फिलहाल ये है पौधे कुछ। भाई अभी नहाना वहाना है, तैयार होना है, क्योंकि तो पूजा होने वाली है कुछ देर में चालू। तो ये हमारे अंकल राम राम, राम राम जी सबको राम राम, जय सरस्वती माता की जय। सरस्वती माता की, अभी मैं भाई क्या बोल रहा था, हाँ कि जो ये पूजा है मतलब ये सरस्वती जी है ना, तो अभी खाली इनकी पूजा होगी, 9:30-10 बजे तक पूजा हो जाएगी, और फिर जो है तैयारी होगी जागरण की, क्योंकि आज जागरण भी है और पूजा भी है। तो दो ब्लॉग आने वाले हैं आज के दिन, तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग दिन आएंगे। तो फिलहाल जागरण की तैयारी इधर पीछे होगी, और अभी सबके घर में पूजा पाठ चल रहा है, घंटी वंटी बज रही है, तो हम भी नहा वहा के शामिल होंगे पूजा में। बट अभी पंडित जी कुछ नहीं है, मतलब पंडित जी नहीं आए, तो अभी अब तक हम लोग फ्री हैं। पंडित जाने के बाद हम लोग को नहाना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, तो उससे पहले तैयार हो जाते, तो मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर बाद। गाइस अभी आपको भाई यहाँ पे नहावा के तैयार हो गए, और फिलहाल यहाँ पे व्हाइट पहन रखा है। वैसे तो आज के दिन येलो पहनते हैं, लेकिन मैंने व्हाइट पहना है क्योंकि येलो है ही नहीं, येलो है कुर्ता है, लेकिन वो रात को पहनेंगे जब जागरण हुआ है ना। तो भाई अभी हमने घर में पूजा पाठ कर लिए, तो अभी हम चल रहे हैं मंदिर। और जो माता सरस्वती जी हैं हमारी, जो कि बाहर हैं एकदम, देखो हमारे घर के जस्ट बाहर लगी हुई हैं हमारी माता, जो मतलब विराजमान है जस्ट घर के बाहर ही हैं। तो इनकी पूजा तो अभी टाइम है होने में, तो मैं सोच रहा हूँ मंदिर से होके आते हैं, फिर यहाँ पर देखेंगे क्या होता है। इस मंदिर से तो आ गए हैं अभी, तेरा हाथ में लोटा जल चढ़ा के भोले जी को आ गए, और अभी चलते देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ पर। और भाई आज मस्त दिन है, एकदम कमाल का मज़ा आने वाला है काफ़ी ज़्यादा। फाइनली पूजा चालू होने वाली है, और यहाँ पे हमारे हाथ में माइक है, करने वाले हैं अनाउंसमेंट आगे, और माइक हाथ में भी करते हैं अनाउंसमेंट सभी को आने के लिए। हेलो हेलो, अरे बंद कर रखा कि पंडाल में आने का कष्ट करें, और माँ सरस्वती जी का पूजा आरंभ होने वाला है, तो कृपया जल्दी जल्दी आने का कष्ट करें। यहाँ पे हैं हमारे महाराज जी जो कि तैयारी चालू करती हैं, और आपको भी माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद दिलाऊंगा, और माँ का फेस दिखाऊंगा। भाई कितने प्यारी हैं ना, भगवान की हमारी एकदम प्यारी है। महाराज जी कैसा लग रहा है ये पंडाल जो पीछे से बना हुआ है, बहुत सुंदर, क्या लग क्या रहा है आपको ये जो बना हुआ है पीछे पे? ऐसा लग रहा है पहाड़ है ना, हमने वही बनाया ही है। तो भाई जो आपको पीछे दिख रहा है ना, ये पहाड़ है, वैसे बता दिया मैंने आपको, दुआ बता रहा हूँ, ये पहाड़ है, और जिसको चीरती हुई आ रही है माँ सरस्वती हमारी। और भाई कितनी मस्त लग रही है, अभी जब फेस पे से हटेगा ना, फिर देखना क्या भाई मस्त दिखेंगे। तो पूजा में शामिल होंगे अभी थोड़ी देर में, और फिर पूजा के बाद आप लोगों से मिलते हैं ना। तो फाइनली अभी माता जी की पूजा हो गई है, और हमें मिल गया यहाँ पर प्रसाद। तो प्रसाद ग्रहण करते हैं, जो कि यहाँ पे देखो चनामृत है, ये चनामृत, और ये है बूंदी, और फल इसके अंदर, और इसको खाते हैं, फिर बाहर चलेंगे, बाहर का माहौल देखेंगे। और अभी थोड़ी देर बाद होने वाली है जागरण की तैयारी, तो जागरण की तैयारी भी दिखाएंगे आप सबको,
तो बने रहना ब्लॉग में। अभी चल रहे सोएंगे और बाहर जो हो रहा है होने दो, जो भी तैयारी करनी है चलने दो, और काफी लोग हैं बाहर देखने के लिए, तो हम चलते भाई एक दो घंटे की नींद लेते हैं, वो जरूरी है अपने बॉडी के लिए। तो मिलते हैं भी आपसे दो तीन घंटे बाद। 2 hours later अभी सो के उठ गए भाई और कम से कम 3 घंटे सोए हैं और अभी चल रहे हैं बाहर। बाहर काम चालू हो गया, जागरण का तैयारी चल रहा है बाहर, इसी वजह से जग पाया क्योंकि खटर पटर काफी तेज हो रही थी। तो ये बाहर चलते हैं फटाफट से मुंह धो के और देखते हैं कुछ खाने को है क्या। भूख लग रही है बहुत जोर की। और यहाँ पर देखो पंडाल लग गया है, मतलब दरबार जो है माता रानी का वो लग चुका है एकदम गजब। और फिलहाल अभी कुछ देर में, मतलब दो तीन तीन नहीं 4-5 घंटे में जागरण चालू हो जाएगा। और यहाँ हमारी माँ सरस्वती शारदा देवी यहाँ पर है सामने और विराजमान हो गई हैं, मतलब विराजमान तो ये सुबह से कल से ही है यहाँ पर, और यहाँ पे माँ दुर्गा विराजमान हुई है। और ये है पूरा सिस्टम देखो आगे से, यहाँ पे भी जनता बैठेगी और यहाँ पर हमारी माँ जो सबको आशीर्वाद देगी बैठे बैठे अपने भक्तों को। और जो सिस्टम यहाँ पर है, अभी डीजे मतलब ढोल वोल वाले नहीं आए हैं, काफ़ी सारे लोग नहीं आए हैं, तो बस शाम तक का देखते हैं क्या रौनक होती है शाम में, क्या गजब होने वाला है। और यहाँ पर गद्दे वद्दे आ गए, आराम से सो बैठो। और गाइस अभी हम चल रहे हैं नहाने वहाने और तैयार होने, क्योंकि अभी कुछ ही देर रह गए पूजा के लिए, तो हम सोचे फटाफट से तैयार हो जाए, बाद में झंझट ना रहे। तो पानी मैं गर्म कर रहा हूँ जो कि वहाँ सामने रॉड से गर्म हो रहा है, देखो वो सामने पानी गर्म हो रहा है। और फिर अभी नहाएंगे और फिर शामिल होंगे पूजा में। भाई रेडी है अभी हम लोग और कुर्ता पहन लिया, दिवाली वाला कुर्ता है ये वही, और मतलब बहुत अच्छे। फिलहाल अभी बाहर चलते हैं, बाहर क्या सीने व्यवस्था है वो दिखाते हैं और तिलक लगाते हैं, तिलक जरूरी है। तो अभी बाहर आ गए और बाहर से जब होने इस समय मतलब रात हो गई है पूरा, देखो है ना। और दिखाता हूँ दरबार, ये है माता रानी का दरबार, और दरबार जो है भाई काफी कमाल का है। और उधर हमारी प्यारी माँ शारदे विराजमान है, और इधर बताई दिया मैंने आपको सब कुछ, और पापा जा रहे हैं। और ये देखो फिर ओए छोटे गाइस, अभी यहाँ पे पूजा की तैयारी हो रही है देखो, और यहाँ पे काफ़ी सारे फूल माला है, तो हम थोड़े बहुत हेल्प करवा रहे हैं। और देखो पंडित जी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं फूल पूजा की, और देखो जोत बन रही है बीच में, ये होते हैं मेन जोत एकदम। पंडित जी से कौन सी जोत बोलते हैं? अखंड जोत। गाइस ये अखंड जोत है, जोत अंकल जी तैयार कर रहे हैं, मतलब पंडित जी तैयार कर रहे हैं। पूजा स्टार्ट हो गई है और अरदास लग रही सबके यहाँ पर। अच्छा हनुमान जी बुला रहे हैं भाई, कोई हमें बुला रहा हो चलते हैं। कौन बुला रहा है भाई? हमें कोई बुला रहा हो देखते हैं। हमें बुला रहे हैं ये बाबा जी। राम राम। हम आए थे पीछे भैया दिख रहे हैं, तो उनके लिए हमें भोजन का मतलब भोजन का इंतजाम करना है, तो भोजन घर से बना हुआ है, भोजन ला के देते हैं और वो कहीं से आए हुए हैं, तो फिलहाल उनको भोजन कराते हैं, भूखे बहुत ज़्यादा हैं। गाइस ये हो रहा है व्यवस्था, खिलाने के लिए खाना व्यवस्था हो गया है, तो सब्जी ये रही और पूरी अंदर है, तो खाना खिलाते हैं पहले, फिर आप लोगों से मिलेंगे। हैं और जागरण देख रहे हैं, और भाई मस्त जागरण हो रहा है, फुल एकदम रौनक है और भीड़ भी काफी अच्छी है। और मंदन भाई कैसे कुर्ता बदल गया है? कैसे क्यों कुर्ता को बदल गया है? पहले बदल गया, शादी में गया था। आगे अच्छा शादी में गया था। और बैठो फिर भाई, अभी चलेंगे हम लोग वहाँ बैठे, मैं वही बैठा था फिलहाल आया हूँ, और तो वो खाना खिला दिया हमने। अभी देखो हाजिरी लग रही है, हाजिरी यहाँ पर, ये देखो ये डांस वांस हो रहा है। गाइस अभी
भाई हम लेके चल रहे हैं अभी हनुमान जी की झांकी, मतलब साक्षात बजरंगबली हमारे साथ चल रहे हैं।